पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पार्टी इकाइयां भंग कर दी गई थी, और जो ये लोग अब रिजाइन दे रहे हैं इन लोगों को पहले ही पार्टी निकाल चुकी है, तो ये तो एक इस्तीफा देने का तो एक प्रोपेगेंडा ड्रामा है, क्योंकि ये लोग पार्टी के लिए इन्होंने कभी काम नहीं किया। ये योगेंद्र यादव के लिए काम करके खुश थे, उसी की तरह उनके उससे काम कर रहे थे, और योगेंद्र यादव इनको पार्टी में ले अपने लाव लश्कर के साथ आए थे वो पूरे, जिस तरह जयचंद की सेना आई थी उसी तरह जयचंद की सेना के ये कुछ थे, योगेंद्र यादव के बंदर थे ये लोग। इन्होंने कभी आप कुछ भी नहीं किया पार्टी के लिए। आप इनके किसी भी इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे चले जाइए, आप ग्राउंड पे जमीन पे चले जाइए, इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। और ये पार्टी से इनको पहले ही निकाला जा चुका था। 35 लोग हैं राज्य कार्यकारिणी में, 14 और 21 जिला संयोजक मिला के। अब उन 35 में से 7 को निकाला, 5 लोगों के ऊपर जांच चल रही है। तो जो भी पार्टी की विरोधी गतिविधि होगी, क्योंकि इन लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे, राज्य इनके पास पूरा जो चंदे का हिसाब था या खर्च का हिसाब था वो नहीं दे रहे थे, बार बार इनसे मांगा जा रहा था, तो इसलिए पार्टी ने उनको निकाला है। क्योंकि निकालना इसलिए जरूरी था कि इन लोगों ने मतलब पार्टी के लिए काम ही नहीं किया, पार्टी को डुबाने का इन्होंने काम किया। और ये उसी तरह से जैसे जयचंद अपनी सेना के साथ था और वो उनके कुछ सिपाही उनके साथ गए हैं, तो और कुछ काम इनका पार्टी के लिए कोई काम नहीं था। ये योगेंद्र यादव के बंदर थे, उनके हिसाब से काम करते थे ये, मतलब कह सकते हैं कि ये पर्सनल काम में लगे हुए थे, उनके एक ग्रुपबाजी कर रहे थे, लेकिन ये पार्टी के लिए कुछ काम नहीं। इन्होंने पार्टी के लिए कुछ भी काम नहीं किया। आप कार्यकर्ताओं से जाके पूछिए, वहां हरियाणा की टीम से और लोगों से पूछिए, 35 लोग हैं राज्य कार्यकारिणी में, हर जिले में कार्यकारिणी है। इन्होंने योगेंद्र यादव के लिए काम किया था और इन्होंने कुछ नहीं किया था। ये तो एक बहाना है कि हमें ये, अरे किया क्या है इन्होंने, इनकी आप सोशल मीडिया पे जाके इनकी प्रोफाइल चेक कीजिए कृपया, इन्होंने कुछ नहीं किया।